और ईद भी मीठी, हैदराबाद की सौगात भी मीठी। जी हाँ, मीठी मीठी रबड़ी मेहमानों को पेश करने के लिए खरीदारों का रश लगा है। सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। इरफान बताइए। जी, खालिस दूध से तैयार करदा हैदराबाद की सौगात रबड़ी। रबड़ी का नाम आते ही मुंह में पानी आता है और ईद पर मेहमानों की खास खातिर मदारत की जाती है रबड़ी से और दस्तरखान की जीनत बनती है रबड़ी। हम जानते हैं शॉपकीपर हैं, आप बताइएगा कोरोना में कारोबार आपका किस कदर मुतासर नज़र आता है? देखिए दोस्त, सबके साथ ही है कोरोना, तो अल्लाह ताला सबको बचा अल्लाह ताला। लेकिन ये है कि रबड़ी हमारी बारों में नहीं बिकती है, लेकिन ये ईद त्योहारों में हमारी रबड़ी की मांग में इजाफा हो जाता है। अच्छा, खास बात क्या है, क्या जायके हैं? मैं रबड़ी हमारी अपना ये है 1948 से यहाँ पे हमारी ये शॉप है और रबड़ी लच्छेदार है, एक पिस्ता रबड़ी, सादा रबड़ी हमारे यहाँ। जी, यहाँ पर ख़रीदारों से हम बात करते हैं। मुझे ये सौगात है हैदराबाद की और मकसद है मेहमानों के लेके जाते हैं, जैसे कि मिठाई केक तो हर शहर में फेमस होता है, लेकिन ये हमारे शहर की सौगात है तो उसके हवाले से जो है ना, ज़रा आप बताएंगे कि मेहमानों को पेश करेंगे किसके लिए लेकर जा रहे हैं? मेहमानों को पेश करेंगे। अच्छा, ईद का खास है? ईद के लिए। जी, जिस तरीके से यहाँ पर शॉप पर ख़रीदारों की लंबी कतार है, जायका है, हैदराबाद की सौगात है, मेहमानों को पेश की जाती है, ख़ास तौर पर तोहफे के तौर पर ले जाई जाती है, ताकि खाने वाला जो है हैदराबाद के नाम को इस सौगात को याद रखे। जी।